भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रांची में 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह मुकाबला जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें रांची में हैं और दोनों ही टीमें जो है जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास भी कर रही हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, तो भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, आज इसी पर चर्चा करूंगा। ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जसप्रीत बुमराह की जगह पर किसे टीम में स्थान दिया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में वर्तमान सीरीज का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए दोनों ही टीमों ने कमर जो है वो कस ली है और दोनों ही टीमें तैयार है। लेकिन इन सब के बीच जो भारतीय टीम को एक झटका लगा है वो ये झटका लगा है कि जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। मतलब रांची में जसप्रीत बुमराह आपको नहीं दिखेंगे, जब टीम आई थी तो उसमें भी जसप्रीत बुमराह नहीं दिखे थे और ये खबर जो है वो कंफर्म है कि जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे। तो जब जसप्रीत बुमराह हिस्सा नहीं है तो ये एक झटका तो है ही, एक और झटका ये लग गया है कि केएल राहुल भी चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। मतलब रांची में केएल राहुल भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फिटनेस जो है अब तक प्राप्त नहीं की है, तो अब वो पांचवा क्रिकेट टेस्ट मैच जो धर्मशाला में होने वाला है उसमें खेल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी जो कंडीशन है वो यही है, सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो खैर, हम वापस लौटते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ चेंजेस जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा की गुंजाइश तो हालांकि नहीं है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल तो रहेंगे ही टीम में। यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो रोहित के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी ही करेंगे। तीन नंबर पर शुभमन गिल भी अब अपनी लय में लौटते हुए दिखे हैं। एक रजत पाटीदार हैं जो कि चार नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दो मैचों से वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 40+ कुछ रन जो है उन्होंने दो टेस्ट मैच में बनाए हैं और उनका औसत भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सवाल उठता है कि क्या रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पड्डीकल को जो है वो मौका दिया जा सकता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। पड्डीकल रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, हालांकि फॉर्म में रजत पाटीदार भी थे, तो ये हो सकता है। जितना अगर आप रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को देखें तो वो खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर देना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि रजत पाटीदार खेलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि देवदत्त पड्डीकल चूंकि काफी टैलेंटेड बैटर हैं तो उन्हें भी अवसर दिया जा सकता है। तो एक चेंज यहां पर आपको दिख सकता है और जो फिर दूसरा चेंज है, क्योंकि फिर ये तय है कि पांच नंबर पर सरफराज होंगे, छह पर आपको जडेजा होंगे, फिर सात पर ध्रुव ज्यूरेल होंगे, आठ पर अश्विन होंगे, नौ पर जो है वो कुलदीप होंगे, दस पर जो है आपको मोहम्मद सिराज होंगे, तो जगह फिर एक ही खाली बचती है, 11वें नंबर पर कौन। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह की जगह भरने के लिए कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि आकाशदीप को अवसर दिया जा सकता है। देखिए, मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, जो अभी उन्हें रिलीज किया गया था राजकोट टेस्ट से, तो उन्होंने जाकर रणजी ट्रॉफी खेली थी बंगाल के लिए और वहां पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी अपने गृह राज्य बिहार के खिलाफ, तो उस मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। तो इससे लगता है कि उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली है, तो उन्हें अवसर दिया जा सकता है, कि एक्सपीरियंस भी उनके सामने है। लेकिन आकाशदीप ने भी जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो दो रेड बॉल के मैच खेले थे उसमें 10 से ज्यादा विकेट लिए थे, इसके अलावा अगर उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में आप रिकॉर्ड देखिए तो वो भी बेहतर है। 30 मैचों में 104 विकेट उन्होंने लिए हैं और 23 से कुछ ज्यादा का उनका एवरेज है। तो एक टेम्पटेशन ये है टीम के पास कि वो आकाशदीप को भी डेब्यू का मौका दे, क्योंकि देखिए इस सीरीज में अब तक 3 डेब्यू तो हो चुके हैं। अगर आप देखें तो रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ, फिर सरफराज और ध्रुव ज्यूरेल का डेब्यू हुआ, तो क्या आकाशदीप का भी डेब्यू होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि आकाशदीप को अवसर जो है दिया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ पिच पर भी निर्भर करेगा। अगर पूरी तरह से रैंक टर्नर बन जाता है
तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ सिराज एक तेज गेंदबाज होंगे और उनकी जो दूसरे तेज गेंदबाज की जगह टीम में नहीं बनेगी और वहां पर अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मुकेश कुमार, अक्षर पटेल और आकाशदीप इन तीनों में से किसी एक को प्लेइंग 11 में जगह जो है वो मिलने जा रही है। मुझे लगता है कि चूंकि बुमराह नहीं है तो भारतीय टीम जो है कोशिश करेगी कि वो स्पिन के सहारे इंग्लैंड को घेरे, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि इंग्लैंड के बेसबॉल क्रिकेट को जो है किस तरह से भारतीय बॉलर काउंटर करते हैं, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देखें तो रविंद्र जडेजा को विकेट मिले हैं लेकिन इंडियन स्पिनर्स उतने प्रभावी साबित नहीं हुए हैं और बुमराह ने जो है पहले दो टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 यही होना चाहिए, हम सभी उम्मीद करते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या होती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या बैरिस्टो, जो कि लगातार जो है वो रन बना पाने में असफल रहे हैं, उनकी जगह किसी नए खिलाड़ी को अवसर मिलेगा? क्या जो है रेहान अहमद खेलेंगे या बशीर को अवसर मिलेगा? और क्या एक तेज गेंदबाज को विश्राम देकर ओली रॉबिन्सन को टीम में लाया जाएगा? ये कुछ सवाल इंग्लैंड के सामने भी है प्लेइंग 11 चुनने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक स्पिनर बढ़ाकर खेल सकते हैं अगर ट्रैक जो है स्पिनर्स को मदद करती है, क्योंकि जो बेन स्टोक्स है टीम के कप्तान, उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और अच्छा खासा देर जो है वो नेट पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब वो जल्द से जल्द मैच में भी गेंदबाजी करना चाहते हैं। तो वो एक तेज गेंदबाज कम करके जो है वहां पर बशीर को टीम में लेकर आ सकते हैं ताकि भारतीय टीम को वो पूरी तरह से घेर सके। जो कुछ भी होगा 23 तारीख को वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।